आई होप आप ठीक होगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज बहुत तेज से हवा भी चल रही है और मौसम ख़राब है, पीछे कोहरा हो रखा है सारा, ये वहाँ से यहाँ तक जितना भी दिख रहा है सब ये कोहरा ही है। पड़ोस के एक आध घर दिख रहे हैं, बाकी जो दूर दूर है वो तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे। आज मैं मॉर्निंग वॉक पर आई हूँ और इतना कोहरा हो रहा है तो मैंने सोचा थोड़ा दौड़ के आती हूँ, बहुत हवा चल रही है। मैंने मम्मी की स्टॉल भी ओढ़ रखी है, कानों से बांध लिए क्योंकि हवा चल रही है तो कानों में हवा लग रही है और ठंड बहुत हो रही है। भाई भी आया साथ में, बहन भी आई है और अभी हम दौड़ लगाएंगे। तो सबसे पहले ये दो दौड़ लगाने जाएंगे। अल जी भी आ रखे हैं वॉक पे, इन दोनों ने भागना स्टार्ट कर दिया है और ये जा रहे हैं। पहले ये भाग के आएंगे फिर मैं भाग के आऊँगी। अंकल जी नमस्ते, ठीक हो? हाँ, घूमने आए? घूमने आज? हाँ ठंड हो रही है आज बहुत। हाँ यार ठंड बहुत हो रही है। अंकल जी की तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, इतने धीरे से बोल रहे थे कि उसमें कुछ सुनाई नहीं दिया। बहुत बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है आज। ये दोनों घूम के आ गए हैं, अब मेरी बारी है, मैं भाग के आऊँगी। अब दौड़ लगा के हम आ चुके हैं और अब घर को जा रहे हैं। बहुत देर हो गई हमें घूमते घूमते, तो ठंड भी बहुत हो रही है, मेरा ठंडे हो गए बिल्कुल। अब जाके हाथ तापेंगे, हाथ गर्म करेंगे, थोड़ा माचिस लेके आऊँगी और फिर आके आग जलाऊँगी। जो हाथ ठंडे हो रखे हैं मेरे उनको मैं ज़रा हाथ तापती हूँ, सेकती हूँ। कोई कहता है तापते हैं, कोई सेकता है और कोई कहता है गर्म करते हैं, तो हम तो तापते कहते हैं, तो इसलिए हम हाथ तापेंगे थोड़ा। आग जल चुकी है और हम हाथ ताप रहे हैं, अपने हाथ धुएं से पीले पीले हो गए और लाल लाल जैसे हो रहे हैं। सुबह से मौसम ऐसे ही हो रहा है, धूप कम निकली है अभी और ऐसे ही हो रहा है, मतलब सुबह से कोहरा ही कोहरा है, हल्का फुल्का कोहरा नज़र आ रहा है। अब हल्की धूप निकल गई तो कोहरा भी कम हो गया है। तो निकलते हैं सीधा पिरुमदारा मंदिर के लिए। घर से हम पिरुमदारा मंदिर के लिए निकल चुके हैं और सीधा अब चलते हैं पिरुमदारा के मंदिर। इस गली से मैं बहुत दिनों में आ रही हूँ पिरुमदारा, तो पता चला है यहाँ पर दुकान खुली है बड़ी सी, एक ये बहुत बड़ी दुकान खुली है। मंदिर में हम पहुँच चुके हैं, ये भगवान की मूर्ति है और ये अभी बंद हो रखी है। मंदिर में ताला लगा हुआ है पीछे और हम मंदिर से अब वापस घर जा रहे हैं क्योंकि मंदिर बंद है। तो हम यहाँ पे खाली बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं भगवान के, अब घर जाएंगे सीधे क्योंकि यहाँ मंदिर बंद है। गाइस हम मंदिर से आ चुके हैं, मंदिर में आज ताला लगा था तो मंदिर बंद है और सुबह जल्दी नहीं खुलता होगा, इसलिए तो हम वापस घर जा रहे हैं और घर जाएंगे। घर पर कोई काम होगा वो काम करेंगे। दादा नमस्ते, दादी नमस्ते, ठीक हो? हाँ हम ठीक हैं। घर पे आया करो घूमने, घर पे उधर घर यहाँ। हाँ आया करो घूमने, उधर आते तो आप उधर के लिए घूमने प्लॉटिंग में। हाँ 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 आया करो, ठीक है। कि हम मंदिर से आ रहे थे तो हमें दादा दादी मिले जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, उधर 3-4 नंबर रोड में रहते हैं और वो हमारे घर के आसपास आते ही रहते हैं घूमने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम घर जा रहे हैं, घर पे जाके देखते हैं। 12 hours later मैं और मम्मी मंदिर जा रहे हैं, आज शनिवार है तो शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पे दिया जलाएंगे, धूपबत्ती लगाएंगे, पंडित जी से मिलेंगे और वहाँ पे शाम के टाइम में दिया जलता है। तो हम अभी शाम के 6 बजे मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ पे पहुँच के अब निकलते हैं मंदिर के लिए। गाइस मंदिर में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमने पूजा करी है, पीछे दिए जल रहे हैं, धूपबत्ती लगाई है हमने, और भी लोग आए थे तो उन्होंने पूजा करी है। अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से घूम के आएंगे फिर अंदर मंदिर में जाएंगे। ऊपर हम मंदिर में आ गए हैं, ऊपर हनुमान जी की मूर्ति है, माँ शेरोवाली की मूर्ति है, यहाँ पे राम जी हैं, सीता जी हैं और लक्ष्मण भगवान भी हैं, और ये भोले बाबा की पार्वती माता की जोड़ी है और गोदी में छोटे से नन्हे से प्यारे से गणेश भगवान बैठे हैं
और इधर वन और राधा जी हैं। अपने फेस में टीका लगवानी है पंडित जी से यहाँ पे, मैंने भी लगवाया था अभी। ये भोले बाबा की शिवलिंग है यहाँ पे और यहाँ पे ही दिया जल रहा है। जय हो पार्वती माता। ये नंदी भगवान है, मम्मी झूला झूला रही है, कृष्ण जी को झूला झूला रही है मम्मी, ये झूला झूला दिया है। मंदिर से मैं आ गई हूँ, आज मैं बहुत दिनों बाद मंदिर गई थी, शिवरात्रि पे गई थी और शिवरात्रि से मैं एक दो बार गई हूँ और तब से मैं अब गई हूँ। और आज आने में बहुत अंधेरा हो गया है क्योंकि रात को जलाए जाते हैं शनिदेव पे दिए, तो हम रात में 6 बजे आए थे और आते आते हमें 7 बज गए और इतना अंधेरा हो गया आते आते हमें, और अब हम घर जा रहे हैं। अभी मैं नानी के घर पे आ रखी हूँ मामा से एडिटिंग कराने, क्योंकि मैं अभी सीख ही नहीं हूँ और मामा से कराती हूँ, और मैं यही काम कर रही हूँ सीखने का एडिटिंग। और नानी अभी रोटी बना रही है किचन में, मैं उनसे मिला के लाती हूँ। नानी और रोटी सेक रही है यहाँ पे, हाय बोलो नानी। हाय हाय। अब मैं बाहर जाती हूँ, मामा लोगों से मिला के लाती हूँ, मामा लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये बाहर मेरे मामा लोग बैठे हैं सारे के सारे, बड़े वाले हैं, छोटे वाले हैं, बीच वाले हैं, और ये मेरी माई बैठी हैं इधर, हाय बोलो। हाय। सो गाइस, कैसा लगा आज का ब्लॉग? आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।